नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं भाव में तिल होना। जिन भी लोगों के भाव में तिल है तो उन लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि इसमें कही गई बातें आपको स्पष्ट समझ में आ सके। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं भाव के बीच में तिल का होना। जिन भी लोगों के भाव के बीच में तिल होता है वो लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में सुख रहता है और ऐसे लोगों के जीवन में यात्रा भी बहुत होती है। दोस्तों, जिस भी स्त्री के भाव के बीच में तिल होता है उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही मंगलमय होता है, या फिर ये कहें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। जिस पुरुष की बाएं भाव पर तिल होता है उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है और इतना अच्छा होता है कि अपने आसपास के लोगों को भी अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जिद्दी भी होते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति के भाव पर तिल माथे के करीब होता है उसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से गुजरना पड़ता है। वहीं पुरुष के दाएं भाव पर तिल है तो वह धनवान और सफलता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।